मेयर को मेयर के चुनाव कर देखिए रे मार के ले जा रहे हैं हमको तो में डाल दिया हम क्या करें मोदी चोर है मोदी चोर है और ये खुले जो करीब बाबा है वो देखो आज हमारे देश का गृह मंत्री बना हुआ है अमित शाह जो गृह मंत्री बना हुआ है जो हमारे साथ सारा काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी मुर्दा बाबा। तो मैं अभी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हूँ। यहाँ पर भारी तादाद पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और इनका बार बार यहाँ से कहना है कि वो थोड़ी देर में जो बीजेपी का दफ्तर है उसकी ओर कूच करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों ही तरफ मेरी दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ यहाँ पर भारी तादाद में जो है पुलिस मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने आज आम आदमी पार्टी को इस प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं दी है, तो इसके चलते यहाँ पर बार बार यहाँ अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि यहाँ इस प्रदर्शन को ख़त्म कर दिया जाए। दिल्ली पुलिस की ओर से बार बार कहा जा रहा है अगर ये प्रदर्शन नहीं खाली करते हैं तो इनको मतलब इनके खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। अभी यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो मौजूद हैं वो यहाँ पर अभी कुछ ही देर में इनका कहना है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, कैमरे पे पहली बार आया है। इनका बस चले तो इलेक्शन ही ना होने दें, और अगर इलेक्शन हमने कोर्ट के जरिए करवा भी ली तो उसका रिजल्ट देख लो कैसे निकलता है। एक मीडिया वालों आप भी सुन लो, देखो पीड़ित आप भी और लोग बहुत होंगे। अगर 2024 में ये किसी ना किसी तरीके से खुदा ना खास्ता ये आ गए तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, नरेंद्र पुतिन बन जाएगा। भाई साहब बात बात में कह देते हैं ये लीगल नहीं है, ये लीगल है, ये चुनी हुई सरकार है। भाई इलेक्टेड राज करेंगे या सिलेक्टेड राज करेंगे? लोकतंत्र में इलेक्टेड राज करते हैं, सिलेक्टेड नहीं करते। इन्होंने सिलेक्टेड की आदत डाल दी है। गली गली में शोर है। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है ये दिखाता है कि इनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। उनकी किस्मत खराब थी, वहां चारों तरफ कैमरे लगे पड़े थे। उस कैमरे में वो चुनाव अधिकारी इंडिया गठबंधन के वोटों के ऊपर काटे मारता हुआ निशान लगाता हुआ उसके अंदर कैप्चर हो गया, उसके अंदर दिखाई दे रहा है। अब हम शांतिपूर्वक तरीके से, कोई गड़बड़ नहीं करनी, शांतिपूर्वक तरीके से बीजेपी के हेडक्वार्टर की तरफ चलेंगे। जहां पुलिस रोकेगी वहीं रुक जाएंगे। हमें पुलिस के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना है। भारत माता की बीजेपी सामने प्रोटेस्ट कर रही है। ये लोग तो आदम ताना सही कर रखे हैं पूरे देश के अंदर। इन लोगों ने कोई काम करते हैं खाली संविधान के साथ ही इन लोगों ने खिलवाड़ कर रखा है, संविधान की भी धज्जियां उड़ा रखी है इन लोगों। बीजेपी ताना शाही की राजनीति कर रही है और तो और गरीबों के लिए आज तक हुआ क्या ये बताइए। और मेन चीज जो इनके खिलाफ बोलता है उसे ये अंदर करते हैं। हमें ही क्यों मना करती है दिल्ली पुलिस? ये बीजेपी के चोर बंदों को क्यों नहीं मना करती? सच्चाई को दबाने के लिए हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है और इस अन्याय से हम डरने वाले नहीं है। मोदी जी को सब पता है, मेरे बंदे सब चोर है। हमारे घर पे पुलिस वाले भेज दिए, कई लोगों को थाने में बैठा के रखा हुआ है और वहीं बीजेपी के लोग भी बस भर रहे हैं, उनको कोई रोका नहीं जा रहा, ना उनकी बसें रोकी जा रही है ना उनको बैठाया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं जो इस प्रदर्शन में आना चाह रहे हैं सबको रोका जा रहा है। प्रदर्शन चल रहा था, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हम सब देख लो बहुत परेशान चल रहे हैं, शांतिपूर्वक चल रहा था प्रदर्शन हमारा और आगे ले गए। ये बीजेपी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। जिंदाबाद वंदे मातरम। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं, हम जेल जाने को तैयार हैं, हम सच के लिए लड़ रहे हैं। पार्टी का प्रदर्शन नहीं चल रहा,
दिल्ली में पुलिस का प्रदर्शन चल रहा है, दिल्ली के हर कोने में बसों को रोका गया, हमारे विधायकों को डिटेन किया गया, हमारे पार्षदों को डिटेन किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। लेकिन हम कहना चाहते हैं मोदी जी, ये केजरीवाल के सिपाही हैं, न रुकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न टूटने वाले हैं, हम लड़ेंगे। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, 2024 में घबराए हुए हैं। आपको देखा होगा अंग्रेज भी घबरा जाते थे तो आंदोलन को कुचलने का प्रयास करते थे। आंदोलनों को कुचला गया हमेशा, लेकिन आंदोलन जी परमिशन नहीं दी थी दिल्ली पुलिस ने। तानाशाही हारती है, परमिशन देखो आप वहाँ पर कैसे परमिशन हो गई, आपके बगल में ही है, 200 मीटर दूरी पर बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, भी नहीं है, इधर बैरिकेड लगाओ, इधर बैरिकेड लगाओ। केजरीवाल ने 5 संबंध जाने के बाद इसको कानून का बिल्कुल सम्मान नहीं करा, केजरीवाल की जिस 56 इंच के सीने को ये ललकारते थे कि 56 इंच का सीना, इस अरविंद केजरीवाल जी के सामने 36 इंच का बन गया है, और ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को घेरने का काम करता है, आने वाले समय के अंदर यही 140 करोड़ जो जनता है देश की वो जवाब देगी इनको। फाइनली अभी आम आदमी पार्टी ने अपना जो धरना प्रदर्शन था उसे ख़त्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत देर से, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस के बीच संघर्ष चल रहा था। और उससे पहले यहाँ पर भगवंत मान ने भाषण दिया, और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लोग यहाँ से बीजेपी के दफ्तर की ओर जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, और जहाँ भी दिल्ली पुलिस हमें रोकना चाहेगी वहाँ हम रुक जाएंगे और उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक रहेगा। इसके बीच जब यहाँ बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हो गए तो उन्होंने बीजेपी दफ्तर की ओर कूच किया, और कूच करने के दौरान जब उनको दिल्ली पुलिस ने काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी कसमकस के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया, और एक पूरी बस जो यहां पर पहले से खड़ी थी दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेके बस यहां से रवाना कर दी गई है। मैं अवधेश कुमार, दिल्ली से newslaundry.com के लिए। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।